तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान निकल शानदार 25 दिन कंप्लीट करके यानी चौथा संडे कंप्लीट करके आज 26वें दिन में एंट्री मार ली है। लेकिन एक चीज़ है कि जवान ने 1000 करोड़ कंप्लीट कर लिया और अभी तक किसी को ऐसा लग नहीं रहा है कि यार इस मूवी ने 1000 करोड़ कंप्लीट कर लिए। वो इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ये नॉर्मल लग रहा है ये आंकड़ा देखने के लिए, क्योंकि पहले ही ये सब चीज़ तय हो चुकी थी या सब लोग मान चुके थे, ठान चुके थे कि 1000 करोड़ तो ये मूवी कंप्लीट करके जाएगी ही जाएगी। और जब इसने ओपनिंग करी पहले दिन से ही उसी दिन से आगाज हो गया था कि यस ये 1000 करोड़ कंप्लीट करके जाएगी, इसलिए ऐसा कोई हाई हल्ला देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जब पठान ने 1000 करोड़ कंप्लीट करे थे, बाय गॉड एक हिस्टोरिकल मोमेंट बन चुका था उस टाइम पे कि यार बॉलीवुड की हिंदी मूवी ने ये मंजर कंप्लीट किया है ऐसा। तो लेकिन जवान के टाइम पे इस बार देखने को नहीं मिल रहा है, वो इसलिए भी क्योंकि नॉर्मल आंकड़ा मिल रहा है। हाँ, अगर ये मूवी 1200 करोड़ कंप्लीट कर जाती है तो यस ये हाइप कमा जाएगी, तब वहाँ पर एक हाई हल्ला हो जाएगा कि यस हाँ जवान एक जो मूवी है बॉलीवुड हिंदी सिनेमा की वो 1200 करोड़ कंप्लीट करके गई, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था वो मुकाम हासिल किया है। तो अभी बात करते हैं जवान ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है, कल का दिन कैसा रहा, आज डे 26 पर कैसी ग्रोथ चल रही है, पहले वीक कितनी कमाई, दूसरे वीक कितनी कमाई करी, तो टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन और अभी कितना मूवी कर सकती है, सब बातों पर डिटेल टू डिटेल लेकर कर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अटली कुमार के डायरेक्शन में 300 करोड़ के खर्चे पर बनने वाली जवान, जिसके मेन लीड पर आपको मल्टीपल रोल्स में द किंग खान, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मल्टीपल कैमियोज भी देखने को मिलेंगे, जिसमें से मेन है आपके दीपिका पादुकोण और संजय दत्त, और सपोर्टिंग कास्ट और सेकेंड लीड कास्ट और विलेन आर सुपर अमेजिंग। नयनतारा ने जो ब्यूटीफुली जो काम किया है, शी इज ऑल्सो gorgeous but acting by her is super fabulous and fantastic I said. Also Vijay Sethupathi done a fabulous job by God. निगेटिव करेक्टर में विलेन के रूप में जबरदस्त ये बंदा सामने आया है, और सपोर्टिंग कास्ट में प्रिया मनी, सानिया मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर ने भी जबरदस्त काम किया है। कंटेंट और स्टोरी लाइन इज सुपर फैंटास्टिक, साउथ के डायरेक्टर हैं तो साउथ का तड़का देखने को मिलेगा और वो मजेदार भी लगा। तो अभी बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, पहले दिन कितनी कमाई करी, ह्यूज कलेक्शन, क्या ओपनिंग शानदार रही, 130 करोड़ की ओपनिंग थी। इसी के साथ पहला हफ्ता कंप्लीट करा मूवी ने 660 करोड़ के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ, जिसमें से हिंदी से कमाई करी थी इसने फर्स्ट वीक में 327 करोड़, और जब पहले 10 दिन कंप्लीट करते करते ये मूवी सिर्फ हिंदी से 396 करोड़ कंप्लीट कर चुकी थी, नेट इंडियन से 442 करोड़ और पूरी दुनिया से 812 करोड़ इसके कंप्लीट हो चुके थे। दो हफ्ता जब इस मूवी ने कंप्लीट किया तो जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में गूंज मारी 922 करोड़ के साथ, जबरदस्त तहलका मचाया। उसके बाद नेट इंडियन कलेक्शन 520 करोड़ का देखने को मिला पहले दो हफ्तों में, सिर्फ हिंदी से 466 करोड़ लेके आई थी पहले दो हफ्तों में। इसी के साथ जब 20वां दिन कंप्लीट किया अमेजिंग एंड ह्यूज नंबर के साथ कंप्लीट किया, बिग अमाउंट में कंप्लीट करा, जी हाँ दोस्तों 19वें दिन और 20वें दिन से ग्रोथ स्लो देखने को मिली लेकिन जबरदस्त कलेक्शन आया है। तो पहले 20 दिन तक हिंदी से 515 करोड़ आ चुका था, नेट इंडियन कलेक्शन 571 करोड़ आ चुका था, ग्रॉस वहीं 636 हो चुका था और ओवरसीज से 335 करोड़ आ चुका था। इसी के साथ पूरी दुनिया से 1022 करोड़ कंप्लीट कर चुकी थी ये मूवी पहले 20 दिन में। साथ ही साथ 21वें 22वें और 23वें दिन में थोड़ा स्लो ग्रोथ देखने को मिली और यहाँ पर मूवी को कंपटीशन भी मिलने लगा, और लेकिन जब वहाँ बाय वन गेट वन का जो स्कीम चलाया गया एंड ऑफ 22 या फिर 23वें दिन के आसपास, तब यहाँ से मूवी ने थोड़ा ग्रोथ करना शुरू करा। हालांकि चार कॉम्पिटिशन में थी मूवी, विकी कौशल की द ग्रेट इंडियन फैमिली, गदर 2 अभी भी चल रही थी, उसके बाद फुकरे 3 वैक्सीन वॉर, तो जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही थी और यहाँ से मूवी जबरदस्त कमाई करके भी आ रही थी। बात करें डे 24 यानी चौथे सैटरडे में धमाका काट दिया मूवी ने, कैसी ग्रोथ रही, अमेजिंग ग्रोथ रही, जिसमें सिर्फ हिंदी से आया है 8.27 करोड़, अमेजिंग ह्यूज कलेक्शन, जो फुकरे 3 के सेकंड डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बराबर होता है जवान के डे 24 का ये कलेक्शन। तमिल तेलुगु से ये मूवी 19 लाख लेकर आई थी और टोटल हो जाता है नेट इंडियन कलेक्शन 8.46 करोड़ का, और पूरी दुनिया से आया था 15 करोड़, और अभी तक हिंदी से कलेक्शन पहले 24 दिन में इस मूवी ने कर लिया है 538.67 करोड़, तमिल तेलुगु से 59.16 करोड़, टोटल नेट इंडियन कलेक्शन हो जाता है 595 करोड़, वही ग्रॉस हो चुका है 715 करोड़, ओवरसीज से आ चुका है 355 करोड़, और टोटल पूरा हो जाता है सैटरडे एंड तक, फोर्थ सैटरडे एंड तक पूरी दुनिया से वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1070 करोड़, ह्यूज ह्यूज कलेक्शन। वही मैं कह रहा हूं कि इतनी बड़ी कलेक्शन ये मूवी कर ले रही है, बट उसका वो हाइप, वो हल्ला देखने को नहीं मिल रहा है जो
पठान के टाइम देखने को मिल रहा था, क्योंकि ये नॉर्मल है, क्योंकि पठान ने जब वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था 1050 करोड़ का, वाकई में वो एक मोमेंट था। तो उसको पहले बीट डाउन किया, अगर ये मूवी 1200 करोड़ पहुँच जाती है तब इसकी एक अलग ही पहचान होगी। अभी तो ये सिर्फ ऐसे पहचानी जा रही कि इसने रिकॉर्ड तोड़ा है, और कौन, शाहरुख खान की मूवी है, एक ही एक्टर की मूवी बार बार कमबैक करेगी तो इतना हल्ला नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, 1200 करोड़ पहुंचती है तो ये फिर अलग ही नजरिए से देखी जाएगी या पहचानी जाएगी। तो बात करें कल यानी चौथे संडे के, यानी 25वें दिन कैसी ग्रोथ रही, अमेजिंग ग्रोथ रही। संडे का फुल फायदा उठाते हुए उछाल तो मारा है, साथ में गदर 2 और विकी कौशल की द ग्रेट इंडियन फैमिली, उसके बाद फुकरे 3, वैक्सीन वॉर, इन सब मूवियों को ना खदेड़ के रखा है। बाय गॉड, जो ये बाय वन गेट वन फ्री का जो ऑफर चल रहा है, इसने ना धज्जियां उड़ा के रखी है, क्योंकि जितना इनको कलेक्शन करना था वो उनका हो चुका है, वो टारगेट अचीव हो चुका है। तो सिर्फ हिंदी से कल एंड ऑफ द डे तक आया है 9 करोड़, और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 9.3 करोड़, जिसमें से 30 लाख सिर्फ तमिल तेलुगु से देखने को मिल रहा है। तमिल तेलुगु से साउथ से इसलिए कम कलेक्शन हो रहा है क्योंकि वहां पर स्कंदा मूवी राम पोथेनिनी की जो जबरदस्त चल रही है, और साउथ की ऑडियंस में हिंदी मूवी या बॉलीवुड मूवी इतनी ज़्यादा चलती भी नहीं है। तो इसी के साथ कल एंड ऑफ द डे तक ग्रॉस कलेक्शन 12 करोड़ का रहा था, और कल पूरी दुनिया से 16 करोड़ की कमाई करते दिखी थी मूवी। इसी के साथ अब बात करते हैं पहले 25 दिन में मूवी कितनी कमाई कर लेती है, 547 करोड़ किसमें, सिर्फ हिंदी में। उसका नेट इंडियन कलेक्शन वही हो चुका है 604 करोड़ का कल एंड ऑफ द डे तक, और पूरी दुनिया से पहले 25वें दिन में 1084 करोड़ के ह्यूज कलेक्शन को अपने खाते में रख चुकी है। तो मैं मान के चल रहा हूं ये जो 16 करोड़ और रह गए हैं 1100 करोड़ कंप्लीट करने में, अमेजिंग है। पहले तो ये बताऊंगा सॉलिड ग्रोथ है, हिस्टोरिकल मोमेंट ये सेट करके जाएंगे, और रिकॉर्ड सेट नहीं क्रिएट करके जाएंगे। मात्र 4 दिन के अंदर ही अंदर हमें थर्सडे तक या फिर फ्राइडे तक हमें 1100 करोड़ का ये मंजर देखने को मिलेगा पूरी दुनिया से कलेक्शन के मामले में जवान का। तो बात करें आज यानी 26वें दिन यानी चौथे मंडे कैसी ग्रोथ चल रही है, तो मंडे वर्किंग डे है एज यूजुअल, आज से कमाई स्लो देखने को मिलेगी फ्राइडे तक, सिर्फ इसको ही नहीं हर किसी मूवी को। साथ में जो न्यू मूवीज रिलीज हुई हैं उनको तो और भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो बाय वन गेट वन फ्री का जो सॉलिड ऑफर चल रहा है, और मे भी आगे जाके बाय वन गेट टू फ्री का भी ऑफर चला दे, क्योंकि यहाँ पर अब मूवी को कोई घाटा थोड़ी है, यहाँ पर जो भी कमाई आएगी थोड़ी ही आए लेकिन आएगी। तो वहीं जो नई ताजी फिल्में हैं इनको बहुत सर्वाइव करना पड़ जाएगा यहाँ पर। जहाँ दोस्तों ओवरऑल 8 से 10% की ऑक्यूपेंसी के साथ मूवी इवनिंग और नाइट में कुछ एक जगह अच्छे सोच अपने खाते में रखे हैं वही। तो आज बात करें एंड ऑफ द डे तक कितना कलेक्शन आएगा, टोटल नेट कलेक्शन 3.5 करोड़ का आएगा, जिसमें से 3.2 करोड़ सिर्फ हिंदी से आता दिखेगा, और पूरी दुनिया से 5.5 करोड़ की कमाई करते नजर आएगी ये मूवी। इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 26 दिन में 550 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में रख लेगी। इसी के साथ पहले 26 ही दिन में एंड ऑफ द डे तक टोटल नेट कलेक्शन 607 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी, और पूरी दुनिया से मूवी 1090 करोड़ कंप्लीट कर चुकी होगी आज एंड ऑफ द डे तक। भाई साहब वही मैं कह रहा हूँ, आने वाले 3 से 4 दिन में ही ये मूवी 1100 करोड़ कंप्लीट कर देगी। 550 करोड़ सिर्फ हिंदी से तो कर ही लिया है, कोई भी मूवी सिर्फ हिंदी से इतनी बड़ी कलेक्शन नहीं कर पाई। लाइफ टाइम कलेक्शन होती है, चेन्नई एक्सप्रेस की जो लाइफ टाइम कलेक्शन थी वो करीबन 450 या 480 करोड़ के आसपास थी, और सिर्फ जवान ने सिर्फ हिंदी से ही 550 करोड़ कंप्लीट कर दिए। बजरंगी भाईजान को भी बीट डाउन कर रही है, और बहुत सारी मूवी के रिकॉर्ड यहाँ पर ये तोड़ चुकी है। बस दंगल का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, क्योंकि वहाँ पर चाइना की मेहरबानी हो गई थी 2000 करोड़ का, उसे बीट डाउन कर पाना मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। बाकी दंगल के जो सारे रिकॉर्ड है, नेट इंडियन कलेक्शन, हिंदी कलेक्शन, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन, सारे खदेड़ चुकी है जवान अभी तक। तो अभी आप लोगों का क्या कहना है, ये मूवी कितनी लाइफ टाइम कलेक्शन और कर सकती है? मैं मान के चल रहा हूं 1150 करोड़ ये इजीली जाएगी ही जाएगी, मे बी 1200 करोड़ भी टच कर जाए। जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।